बकर बिस्मिल्ला पढ़ के अनबॉक्सिंग करें। ये विस्पर एक्स फॉर सेल आई पड़ी है, इसके साथ स्कोप है, इसकी भी अनबॉक्सिंग साथ साथ करेंगे। विस्पर एक्स की ये 416/44 की हॉक की स्कोप आई पड़ी है, इंशाल्लाह इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें हमने पंप है, दो पीसीबीज हैं और एक स्प्रिंग है, उन सब की हमने अनबॉक्सिंग करनी है, स्कोप की भी हमने अनबॉक्सिंग करनी है। किधर भाई, ये इस पे 4.5.177 पे इसके एफ पी एस हैं 750। अच्छा। और 0.22 पे इसके एफ पी एस हैं 550। और इसका वजन जो है तकरीबन 1.4 kg, मतलब 1.5 kg के करीब है। अच्छा, इसका वजन। हाँ, बट पे इसका वो जो दिया हुआ है वो एडजस्टेबल है, मतलब आप उसे लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, छोटा जो ऑलरेडी किया हुआ है ना। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब उसे लंबा भी कर सकते हैं। स्कोप इसके ऊपर 432 वाली लगेगी, कौन सी लगेगी स्कोप? तो जिसकी मर्जी, जो मर्जी लगाए। अच्छा, 6-24-50 वाली लगा ले स्कोप, फिर इससे भी बड़ी हो जाएगी। चलिए फर्स्ट लुक दिखाती है। ये है जी इसकी फर्स्ट लुक, माशाल्लाह। दिखाएं ऊपर भाई, सुनो भी। और एसेसरीज चेक करें, क्या क्या सामान इसके साथ है वो चेक करके बताएं बोकर। अच्छा, स्नो पीक बोल्ट एक्शन में नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये इधर से ठीक है, ज़बरदस्त है। और मैंने इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा सुनी है, एक्यूरेसी इसकी कमाल की है। साइड लीवर है इसमें। वेट कितना है, कैसे महसूस होता है? ये एडेड, मतलब 1.4 kg इसका वजन है। चेक करें, पीछे आप करेंगे फुल लॉक हो जाता है। ठीक है, ये आगे से को प्रेस, ये दोनों को प्रेस करेंगे, ये दोनों को प्रेस करेंगे, ये आगे हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर पीछे करेंगे कोई मसला नहीं। ओपन साइड है बुगर भाई, ओपन साइड के साथ है। वैसे भी है वो तो, है ना, लेकिन स्कोप भी एडजस्टेबल है। ठीक है की मैगजीन है साथ या 8 की, काउंट करें कितने हैं? 7 मेरे ख्याल में, 7 बुलेट की मैगजीन है, कुछ रिंग है, फिलिंग प्रॉब है। ठीक है, ये इसके साथ एक्सेसरीज है। और इसका जो चेक करें, सिलेंडर कितना फिल किया हुआ है? ये है तकरीबन 120 बार बेना इसका फिलिंग की हुई है। और शॉर्ट क्वान्टिटी इसकी, शॉर्ट क्वान्टिटी इसकी तकरीबन मेरे ख्याल में है वो भी 20-25 तक है ना तकरीबन शायद। ये भी हम इंशाल्लाह इसकी शॉर्ट क्वान्टिटी चेक करके आपको बताएंगे कितने शॉर्ट देगी। मुझे लग रहा है इस हिसाब से, जैसे PR900W है वो भी कम एज मैक्सिमम शॉर्ट देती है, 38-40 शॉट देती है मैक्सिमम, इसको भी 35-40 शॉट देने चाहिए साइड लीवर में। ठीक है ना, ज़बरदस्त। इसको रखें इसके साथ एक दो, मतलब हम टेस्ट करेंगे थोड़े से चला के ना, ये इसको रख दें साइड पे और इसको हॉक की स्कोप निकालें। 6.4 ये है हॉक की स्कोप, ये देखें, ये इसके माउंट है। चेक करें जी, जिस भाई को चाहिए वो बकर भी और उससे रब्ता कर सकते हैं वो। बुगर भाई बहुत क्लियर व्यू है इसका यार, इसका पंप क्लियर।
नेक्स्ट जो है वो भी अनाउंसमेंट कर दें कौन कौन सी वो हमारे पास ब्यूटीज़ आ रही हैं और किन किन वाइंस की हैं। कौन सी है? चवन एयर किंग ब्रांड न्यू मंगवाई है राजा अब्दुल गफ़ार भाई, सराय आलमगीर से उनका ताल्लुक है गुजरात, तो अभी वो इंग्लैंड में मौजूद हैं, उनके लिए हमने मंगवाई है। अच्छा बने मैंने भी आपको कहा था, मतलब आपने इसके लिए रखवाई थी। सबसे पहले हमें कहा था आशिक जट साहब हैं इंग्लैंड से, वो भी इंग्लैंड में हैं, मतलब उन्होंने तकरीबन डेढ़ माह पहले मुझे कहा था। और ये चवन एयर किंग का जो पीस है ना मैंने उनके लिए रखा हुआ था, मतलब कि स्पेशल, वो हमने मतलब के डीलर से कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि हमें भाई को चाहिए, और मतलब कि लॉकडाउन की वजह से वो पेमेंट अभी नहीं भिजवा रहे, तो बड़ी मुश्किल से मतलब कि ना वो डेढ़ माह, उस डीलर की मेहरबानी है जिसने डेढ़ माह तक ये पीस हमारे लिए रखा, उसने सेल भी ना किया। अब ये किस्मत जिसकी किस्मत, फिर वो राजा साहब अब्दुल गफ़ार साहब हैं हमारे, बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं, उन्होंने भी लंदन से भिजवाए आपको पेमेंट, इंग्लैंड से भिजवाई, इंग्लैंड से भिजवाई है पेमेंट उन्होंने, इंग्लैंड से भिजवाई है, तो जो है ना उनके लिए हमने मंगवाई है चवन एयर किंग। और दूसरी हमारे जो जो हैं ज़फ़रुल इस्लाम साहब भावलपुर में हैं, तो और हमारे करीबी हमारे जो गांव है उनके 6 किलोमीटर दूर उनका रकबा वगैरह है कोट काजी में, तो उनके लिए हमने मंगवाई है कोमेटा फ्यूजन गैलेक्सी, इंशाल्लाह उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये अब पंप क्या अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद PR900W पड़ी है, इसकी करेंगे, विस्पर एक्स है, ये इस पंप को दिखाने का मकसद ये है कि इसको हमने वेरीफाई करके भेजना है, तो इंशाल्लाह जिस भाई की ये है इंशाल्लाह इसको पैक करवा के आज ही हम भिजवा देंगे इंशाल्लाह। भाई जान की ये पैलेट्स हैं इसमें, ठीक है, 18 ग्रेन की, बाकी गन ये 4-स्टेज पंप है इंशाल्लाह, इसकी भी हम बाद में इसमें फिलिंग करके ही आपको भिजवाएंगे इंशाल्लाह, फिलिंग चेक करवाएंगे, ठीक है अबुगर भाई, इसको साइड फिलिंग चिलिंग चेक करेंगे और पंप और दोनों चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी, ठीक है अबुगर भाई, इसको साइड पे आगे करें, इसको निकालें PR900W को निकालें, इसकी भी अनबॉक्सिंग करें, उसके बाद विस्पर एक्स की करेंगे, आगे करें आगे, इसको ना साइड पर कर लेता हूँ मैं, ठीक है किसी भाई को चाहिए तो अबू बकर भाई और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अगर किसी ने कुछ फॉर सेल करनी है तो वो भी आपको हम बता सकते हैं। खिजर भाई के नाम पे भेजी है और सॉरी वलीद सईद, हाँ हाँ वलीद सईद भाई ने भेजी है हमें ये वाली ब्यूटी सराय आलमगीर से, ये भी अबू बकर भाई आपके इलाके के आप भी, हाँ सर उनके भी पिस्ट चवन एयर किंग भी भाई की मंगवाई, हो सकता है इकट्ठे हों रिश्तेदार हो, ठीक है तो उनकी ये विस्पर एक्स इंशाल्लाह चेक करते हैं, अभी कुछ ही देर के बाद अबू बकर भाई इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है इंग्लैंड में हमारे हैदर भाई हैं वो भी सराय आलमगीर से हैं, इंग्लैंड वाले भी काबू नहीं देते ना, बस अबू बकर भाई मेहनत कर रहे हैं वो वहाँ पर जाके, हाँ हाँ उनको इंग्लैंड वालों को कमा के खिला रहे हैं, वरना इंग्लैंड में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद कमा के खा सकें, उनका सारा दारो मदार इन्हीं लोगों के ऊपर, ये काम करते हैं ये कमा के उनको खिलाते हैं, अभी गोरे भी नखरे कर रहे हैं, हाँ वो कह रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान के बंदे ना बुलवाएं इधर हमारे लोगों, हाँ को ना वो काम, बिल्कुल जी ऐसे कह रहे हैं, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये फिलिंग प्रॉब है, इसमें ये सामान इसके साथ एक्स्ट्रा दिया गया इंशाल्लाह, इसकी भी हम फिलिंग चेक करेंगे बाद में, इसके साथ फिलिंग चेक करेंगे, इसके इसके भी कुछ शॉट साथ में ऐड करेंगे इंशाल्लाह लगा के, ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ अभी, आप फिर इसको लग के ना फिर हमने विस्पर को निकाल लेंगे, हाँ जी इंशाल्लाह इसकी अनबॉक्सिंग भी चेक करते हैं, इसकी वेरीफाई करते हैं, तो क्या ख्याल है इसमें थोड़े से वो पैलेट लगा दें, अच्छा ठीक हो, ये इधर रखना ये स्कोप है, ठीक है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम लिखा हुआ बहुत अच्छा, अस्सलाम भी लिख दिया उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया डेयर, स्कोप कौन सी ये भी देखते हैं, कुछ पैलेट्स भी दिए हैं उन्होंने ना,
ये विस्पर एक्स है, इसकी पावर क्वालिटी एक्यूरेसी सारा कुछ चेक करेंगे। जिस भाई को चाहिए यहाँ पे भी आके ले सकते हैं, अगर अब बता दें तो हम डिलीवरी भी करवा देंगे, कोई इशू नहीं। चेक करके कंडीशन इसकी देखिए, उसके बाद इसकी प्राइस डिसाइड करेंगे कितनी प्राइस तक ये है। हाँ ये लाइट वेट है, देखें थम होल एक्शन में ऐसे ना बोबकर भैया वाली, ये भी देखें निकालें कोई। जबरदस्त चलें बकर भाई, कंडीशन जबरदस्त। अनलोड भी नहीं थे बकर भाई? नहीं, चलो ठीक है बकर भाई, इसकी ये स्कोप की अनबॉक्सिंग करें। जहाँ से मुझे खुले ठीक हो गया। किधर भाई तीनों को चेक करते हैं चला के। चलिए भाई एक मैं भी चेक करते हैं, हम एक ही करके ना पैलेट ना इस भी लगा करके चलाएं अबूकर भाई सारी टीवर। ओके हो गया ठीक है अबूकर भाई, छोटा सा शॉर्ट्स है और प्राइस भी बता दें इसकी कितनी है, फिर बार बार कुछ लोग कहते हैं कि तो प्राइस इसकी नहीं है। ये मार्केट में 37,000 की है। और पीछे कर दें, खींच लें खींच लें, कोई मसला नहीं, फुल लगा के खींच के दें। वाओ ठीक हो गया, ओके हो गया ज़बरदस्त। निशाना लगा के देखिएगा कहीं के से कोई, चलो वैसे से चेक तो कीजिएगा ना हल्का सा, इसका कौन सा रिकॉइल है, सेफ्टी है, सेफ्टी लॉक ऑन था। P15 कितना बराबर है? चले एक मुझे कर देंगे 8.22। क्या बात है, छोटा सा मतलब इसके साथ अबूकर भाई कर सकते हैं इजीली, मतलब 40-50 की 40-30 की करीब सर ट्रिगर सख्त है ना, मैं समझे शायद। हाँ बात कोई नहीं है, चला दें। अब ओपन साइड पे तो नहीं खेला जाएगा कभी, स्कोप के साथ ही खेला जाएगा। ओपन साइड पे किधर, ये ए आगे करके खेला जाएगा ना, ये मुकम्मल बंद करके फिर बंदा खेल सकता है। अच्छा ठीक है। हाँ क्या बात है जी, क्या और ट्रिगर इसका थोड़ा सा हार्ड है ताकि कोई इजीली प्रेस ना हो जाए, क्योंकि डेंजरस है ऐसे ना बुगर भाई। असलम भाई ये चीज़ तो ओके है, पावर चेक कर सकते हैं। हाँ पावर इसकी चेक कर सकते हैं, बाकी फिलिंग हम थोड़ी सी इसमें करके चेक कर लेंगे। हाँ पंप भी चेक हो जाएगा, ये भी चेक हो जाएगा, इसको रखें एक साइड पे। चलो विस्पर एक्स का एक पैलेट चलाएं, उसको करें विस्पर एक्स उठा लें भाई, कॉकिंग करें इसकी, पैलेट डाल दिया, पहले डाल रहे हैं वो बकर भाई, इसको भी चेक कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, चलो इसको रखता हूँ साइड पे। 70% है इसका, ठीक है अगर भाई पैलेट चला के दोबारा भी करें एक दफ़ा ना इजी। सही है, करें एक दफ़ा फिर
पहले डालें फिर इसमें अबूकर भाई। ये हर हर मतलब ये हर पीसीबी में ऐसे ही मतलब है, थोड़ा सा ये थोड़ा सख्त होता है, मतलब दबाना पड़ता है ऐसे ना, ये आप ये ना समझे इसमें कोई मसला मसाइल है, ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। GPR 900 जो भी है यूज़ में है, हमारे पास एक पहले भी पड़ी हुई है, थोड़ा सा उसका थोड़ा सा एक दो दफ़ा प्रेस करना पड़ता है, फिर जाके पैलेट अंदर जाता है। एक दफ़ा फिर मुझे लोड करके दे अबूकर भाई, ये आपके सामने देखें बोल्ट लगा रहे हैं अबूबकर भाई पैलेट, ठीक है ना। हाँ छरे के साइज़ को हिसाब किताब बड़ा है थोड़ा सा, ये देखें ना एक, हाँ एक दफ़ा थोड़ा सा जोर के साथ लगाएं तो ज़बरदस्त है, मुझे दिखाएं। परफेक्ट लगा रही है ये साइड पे भी। अच्छा हम लगा के चेक करते हैं वो कर वही कर दीजिए। एक भी मिस नहीं करेगी सच में, ये बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेट है यार, एक्यूरेट है, इसमें मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर किसी भाई को ये चाहिए, हमारे पास दो PR 900W पड़ी हैं, वो चाहिए, विस्पर एक्स चाहिए, ठीक है, अभी मैन QB 36-2 वो हमारे पास फॉर सेल पड़ी है, किसी भाई को चाहिए वो बकर भाई, और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे हमारे साथ होगी चवन एयर किंग कोमेटा फ्यूजन गलेक्सी सिंथेटिक स्टॉक में, उसके अलावा इंशाल्लाह 34 क्लासिक डियाना 31-35 इंशाल्लाह ये सारी आ रही हैं, और कोशिश करेंगे आप 1.5-2 लाख वाली भी कोई लेकर आएँ यहाँ पे इंशाल्लाह, अच्छी से अच्छी PCB इंशाल्लाह, उसका भी रिव्यू करेंगे आप, और अनबॉक्सिंग भी करेंगे, और इसके साथ पावर टेस्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त है, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। मंडल ऑफ थैंक्स असलम भाई, आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हमें पेमेंट भिजवाई, ये आपका स्नो पीक PP 750.22 कैलिबर में है, तो ये हॉक की स्कोप पड़ी है, फॉर सेल है 4/14/44 में है, ये हमें वली से भाई ने विस्पर एक्स भिजवाई है, ये भी फॉर सेल है, चाहिए ये गैमो की 3/40 की स्कोप है, ये भी अवेलेबल है अगर किसी बाइक की चाहिए। तो इमरान भाई हैं जिन्होंने हमें भिजवाई है PR 900, ये इमरान भाई ने हमें भिजवाई है, ये भी पार्सल पड़ी है, और ये पंप है फोर स्टेज, ये असलम भाई है स्नो पीक के साथ जो है ना, और ये बैलेंस भी होते हैं। असलम भाई आपका पंप चेक करें कि पंप कैसा है, असलम भाई का तल्लुक है मोड़ सिंध से। अच्छा सिंध वाली साइड से है, वो कराची में रहते हैं, तो वो कहते हैं भाई मुझे ना कराची में भिजवाना है, इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। आपकी ब्यूटी है, ये पंप चेक कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, इसकी स्विच काम करेगी, अगर स्विच काम करेगी इसका मतलब पंप आपका ओके है, ये देखिए फिलिंग कर रहे हैं ओके, ये ऊपर दिखा रहे हैं ये फोर स्टेज पंप, ठीक है उगर भाई ओके, ये देखिए कोई लीकेज नहीं हो रही, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही। हाँ पीछे वाले नट खोले आप उसको दिखा दें, हाँ ओके है वो अगर भी ज़बरदस्त, ठीक है ना ओके हो गया ओके थैंक यू। असलम भाई देखिए येलो के करीब करीब है, अब हम इसमें थोड़ी सी फिलिंग करेंगे, फिलिंग करके फिर आपको बताते हैं, ठीक है ना ओके करें वो कर भाई, फिलिंग प्रॉब लग गई ये, ठीक है अगर भाई ओके करें, ये लगाएं ओके करें, रख दें इसको यहाँ पे सीधा करके, ठीक है आपके सामने, ठीक है वो कर भाई चलें फिलिंग करें। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए कौन फिलिंग हो रही है इसमें ना, करें करें ओके कर दे भाई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप देख रहे हैं इसना भाई, ये देख रहे हैं ओके आपका, ठीक है ना, कितने पहुंच गई है ये देखिए, मगर मैं दिखा रहा हूँ इनको अच्छी खासी करीब पहुँच गई है, इस बंदा है ना चीज़ की सेहत भी देखनी, हाँ ठीक है ओके 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 भाई बहुत बहुत शुक्रिया।